हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आपका दोस्त नवाज सुनील एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। यार देखो, लास्ट के 2 साल काफी बैड गए हैं मोबाइल इंडस्ट्री के लिए। स्पेशली मैंने लास्ट वीडियो में भी अपने आप बताया था, अगर किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो एक मोबाइल से रिलेटेड मैंने वीडियो क्रिएट करी थी। बात करें अगर मोबाइल की, तो मोबाइल काफी अफोर्डेबल प्राइस पे मिलने वाला था और लॉन्चिंग भी उसकी सून है, यानी कि नेक्स्ट मंथ में मोबाइल 5 जनवरी के आसपास लॉन्च होने वाला है। तो गाइस देखिए, काफी समय से लोग वेट कर रहे थे ऑलरेडी एक मोबाइल का, जो था कि वीवो की सीरीज का। क्योंकि आपको पता होगा कि वीवो ने जो अपनी मार्केट आज तक बना रखी है मार्केट में, वो कंटिन्यू उसकी बरकरार है। इवन वीवो एक ऐसी ऐसी नई नई टाइम टू टाइम सीरीज रिलीज करता रहता है कि जिसका खामियाजा दूसरी कंपनियों को उतारना पड़ता है, क्योंकि वीवो अपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ साथ प्रोडक्ट को हमेशा कुछ नई चीज के साथ ही लॉन्च करता है। तो इस बार जो वीवो अपनी एक नई सीरीज लेके आया है, वो लेके आया है वीवो V23 Pro। हालांकि इसकी 2 सीरीज मार्केट में आने वाली हैं, जो कि रिसेंटली मैं आपको जस्ट ही देखने को गाइस मिल जाने वाली है। एक तो आ रही है वीवो V23 Pro करके, और एक आ रही है ओनली वीवो 23 सीरीज। लेकिन बता दूं, दोनों ही सीरीज इसकी 5G के अंदर आने वाली है। फीचर्स क्या हैं इस पे एक बार हम नजर मारेंगे, और गाइस आप लोगों की मदद के सहारे मैं आपको एक बार फिर थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप लोगों की हेल्प से मेरे को काफी मोटिवेशन मिलता है कि आप मेरी वीडियो को देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकन को प्रेस करते हो। तो गाइस प्लीज अब भी यही सेम चीज आप दोबारा से एक बार कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी साथ ही साथ कर लीजिएगा, और आप ही की मदद से हम अब आने वाले टाइम में हो सकता है नए साल के बाद जस्ट कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि जिसमें आपको हम देंगे सरप्राइज के जो मोबाइल मार्केट में लॉन्च होने वाला है, या यूं कहें कि सॉरी लॉन्च हो चुका होगा, तो हम कोशिश करेंगे उसकी अनबॉक्सिंग भी करने की। अगर आपका प्यार और आपकी हेल्प हमारे पास इसी तरीके से बरकरार रही, तो जल्दी ये सपना भी पूरा होने वाला है गाइस। तो गाइस वीवो V23 Pro लॉन्च होने वाला है, स्पेशली ये वीडियो आज उसी पे क्रिएट करी गई है। तो चलिए आज एक बार हम उसके स्पेसिफिकेशन पे नजर मार लेते हैं दोबारा से, सेम के इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। दोबारा से मतलब कि हर वीडियो में मैं आपको स्पेसिफिकेशन पर रिव्यू करके बताता हूँ ये मोबाइल कब लॉन्च होने वाला है, नेक्स्ट मंथ में होगा, किस डेट में होगा, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा गाइस। गाइस इसमें हम बात कर लेते हैं अभी जो रूमर्स आ रहे हैं कंपनी के अकॉर्डिंग, क्योंकि सही जानकारी अभी भी किसी यूट्यूबर्स के पास या वेबसाइट पर अपडेटेड नहीं है, लेकिन प्राइस को और डेट को लेके नहीं है जो कि मेरे पास है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। Vivo जो लॉन्च कर रहा है Vivo V23 Pro 5G मोबाइल, इसके अंदर जो आपका एंड्रॉइड जो आने वाला है एंड्रॉइड V12, बहुत से बंदे बोल रहे थे, लेकिन एंड्रॉइड V11 के साथ ही लॉन्च होने वाला है। प्रोसेसर की बात करेंगे तो MediaTek Dimensity 1200 यानी 1200 का आने वाला है, जो कि बहुत हैवी प्रोटेक्शन बेस है इसका। सबसे पहली चीज, आप अपने मोबाइल को जो एक्सेस करते हो, यानी कि आप अपने मोबाइल को जो यूज करते हो, इंटरनेट यूज करते हो, तो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं आपका मोबाइल जो है कहीं ना कहीं उसकी बैटरी डाउन होने लग जाती है, तो आपकी बैटरी को भी कंज्यूम करेगा कहीं ना कहीं एक, और सेफ करके रखेगा। एंड साथ ही जब आप चार्जिंग पे लगाते हो, मोस्टली मोबाइल में प्रॉब्लम आने लगती है कुछ समय के बाद कि मोबाइल जो होते हैं ना हीट होने लग जाते हैं गाइस। तो इस MediaTek Dimensity के साथ इन्होंने कुछ इसमें ऐसा एडवांस वर्जन भी डाल दिया है कि 1200 के अंदर कि आपकी जो फोन की जो बैटरी जो हीट होने लगेगी, तो कहीं ना कहीं उसको भी सपोर्ट करेगा और हीट नहीं होने देगा। प्रोसेसर काफी अच्छा है Dimensity। बात कर लेते हैं गाइस इसकी, साथ ही साथ हम आपकी कैमरे, तो कैमरे की लुक कुछ इस तरीके से मिलने वाली है जो कि काफी अट्रैक्टिव कैमरे मिलने वाले। मैंने कहा था ना, हर बार कुछ ना कुछ नया लेके आता ही रहता। तो गाइस जो इसमें आपको कैमरे मिलेंगे, ओवरऑल 4 कैमरे यहाँ पे आपको Vivo V23 के अंदर जल्दी देखने को मिल जाने वाले गाइस। तो मेन कैमरा जो इसका जाने वाला है 108 MP का जाएगा, यानी कि 108 MP का आपका वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा जाने वाला है। सेकंड कैमरा 8 MP अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा हुआ एंड 2 MP माइक्रो कैमरा हुआ, जिसकी हम बात नहीं करेंगे। तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि 108 MP का जो कैमरा होगा उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो गाइस आप देख रहे होंगे ऑलरेडी वीडियो में कि वाइड 108 कैमरा जो है कि आपकी लाइट के अकॉर्डिंग आपके कैमरे को कैप्चर करेगा, यानी सॉरी इमेज को कैप्चर करेगा। यानी कि मान लीजिए अगर आप धूप में फोटो क्लिक कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक उसका फ्लैश ऑन हो जाएगा, उस हिसाब से फोटो क्लिक करेगा। देन अगर आप धूप में, मान लीजिए आप इस तरीके से फोटो को क्लिक कर रहे हैं और जस्ट आपकी कैमरे के जस्ट ऊपर आपका सन आ रहा है, यानी सूरज आ रहा है, आपने फोटो क्लिक करी, तो आपकी फोटो नॉर्मल ही यहाँ पे क्लिक होने वाली है, यहाँ पे कोई डॉट का निशान नहीं आने वाला, लाइट भी उसके अकॉर्डिंग ही ये पिक कर लेगा। 2 MP वाइड एंगल कैमरा है, तो इसका भी सेम वही रोल प्ले करता है गाइस। यहाँ पे बात करेंगे इसके साथ ही साथ हम
बैक कैमरे के अंदर, तो बैक कैमरा जो आपको मिलेगा, पीछे दो कैमरे मिलने वाले गाइस, सॉरी मैंने गलती कर दी कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी इस वीडियो में, सॉरी तीन नहीं पांच कैमरे मिलने वाले हैं यहाँ पे, चार नहीं सॉरी पांच कैमरे मिलने वाले हैं, तीन बैकमैन दो कैमरे आपके फ्रंट में मिलेंगे। जो फ्रंट में आपके दो कैमरे मिलेंगे उनका रोल भी बहुत रोल है, 50 MP प्लस 8 MP का, यानी कि वो भी सेम वही वर्क करने वाले जैसे कि बैक के कैमरे। मोबाइल काफी थिन है जैसे कि आप ऑलरेडी देख ही रहे होगे, मोबाइल काफी पतला है, मोबाइल को लेके कोई इशू नहीं है यहाँ पे अभी तक। जो इसकी ओवरऑल बॉडी की बात करेंगे तो बॉडी पूरी प्लास्टिक एंड ग्लास में आपको बॉडी मिलने वाली है, कैमरे काफी अट्रैक्टिव होने वाले हैं, 4300 mAh की यहाँ पे आपको बैटरी साथ ही साथ इसके मिलने वाली है, 44 वाट का आपको फास्ट चार्जिंग मिलेगा यहाँ पे जो कि USB पोर्टल से रिलेटेड होगा, ड्यूल सिम आप इसके अंदर इजिली यूज कर सकते हैं, 128 GB का इंटरनल स्टोरेज। मोस्टली बंदों की जो क्वेरी रहती है ना वो ये रहती है मेरे इंस्टा पे जो क्वेश्चन करते हैं लोग या वीडियो पे कि बॉस यार मेमोरी 128 GB 258 GB, तो गाइज मैं आपको ये चीज भी क्लियर कर देता हूँ, 128 GB बहुत होता है भाई, कार्ड आप इसके अंदर नहीं लगा पाओगे। बाकी जो ओरिजिनल मोबाइल है वो तो जब आएगा तभी पता चल पाएगा कि एक्चुअल में उसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं हम, फीचर्स की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकेशन एक्चुअल में उसमें है क्या। और आज तक मैंने वीवो में कभी किसी मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम भी क्रिएट होते हुए नहीं देखती। ओवरऑल इस मोबाइल का जो प्राइस है, जो रूमर्ड निकल के आ रहे हैं यानी जो अफवाहें निकल के आ रही है ना गाइस, उसके अकॉर्डिंग इस मोबाइल का प्राइस 35,000 रुपये के आसपास बताया जा रहा है, लेकिन मैं जिस वेबसाइट से डेटा इसका पिक करा है उस मोबाइल के उस डेटा के अकॉर्डिंग इस मोबाइल की कीमत ओनली एक्सपेक्टेड बताई जा रही है अभी 28,000 से 30,000 के बीच इसकी जो अमाउंट है मोबाइल की प्राइस है वो जाने वाली है। मोबाइल ऑलरेडी अदर कंपनीज में सॉरी अलग कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, चाइना में ऑलरेडी वहां की मार्केटों में ये मोबाइल लॉन्च हो चुका है जहां पे उसकी कीमत 50,000 के आसपास की इसकी कीमत है। तो जाहिर सी बात है इंडिया के अंदर डाउन होके आता है 30 से 40% डाउन होके आता है तो इसकी प्राइस आई थिंक इतनी जाने वाली है। मोबाइल का पूरा नाम वीवो V23 Pro 5G है, इस तरीके से लुक है मोबाइल की, इंटरफेस काफी अच्छा है, वीवो हमेशा अपने कैमरे के लिए, क्वालिटी के लिए, बेस्ट स्पेसिफिकेशन के लिए जाना जाता है गाइस। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर जब भी ये लॉन्च होगा आप लोग वहां से बाय करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा साथ ही साथ। गाइस बात कर रहे थे इसके ओवरऑल के भाई अब ये लॉन्च कब होगा, तो गाइस मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, तगड़े फीचर के साथ जब मोबाइल आ रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ चीज तो इसके अंदर सीक्रेट रखी जाएगी। लॉन्चिंग डेट जो इसकी अभी तक इन्होंने रखी है अनऑफिशियली अनाउंसमेंट 5 जैन बता दिया गया है, लेकिन ये 18 जैन में आपको है मार्केट के अंदर मिल जाने वाला है गाइस। तो गाइस ओवरऑल वीवो V23 Pro 5 से मोबाइल मेरे को लगा है यहाँ पे काफी अच्छा जिस हिसाब से स्पेसिफिकेशन है, EMI पे उस पे भी आप बाय कर सकते हैं, EMI पे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप बाय कर सकते हैं। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस एंड वीडियो को तुरंत ही लाइक कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं कर सकते। तो गाइस आपका सपोर्ट मुझे ऐसे ही मिलता रहे उसके लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय, ध्यान रखें आप अपना अपनी फैमिली।